युगांतर पार्टी के प्रमुख नेता और दार्शनिक जतींद्रनाथ मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर 1879 को जिला जैसोर बंगाल में हुआ था। 5 वर्ष की अल्प आयु में पिता को खो देने के बाद जतींद्रनाथ का उनकी माता ने कठिनाइयों से लालन पालन किया। वह सन 1897 में मैट्रिक पास करने के बाद स्टेनोग्राफर की नौकरी करने लगे। उनके बारे में एक सत्य कथा है कि 27 वर्ष की आयु में जंगल से गुजरते हुए जतींद्रनाथ ने हसिये से एक बाघ को मार गिराया था। इस घटना के उपरांत वह बाघा जतिन के नाम से विख्यात हो गए। दिल में स्वतंत्रता के प्रति ज्वाला लिए बाघा जतिन ज्यादा समय तक नौकरी नहीं कर पाए और क्रांति की राह पकड़ ली। सन 1910 में उन्हें साल भर की जेल भी हुई। वे जेल से मुक्त होने पर युगांतर पार्टी का कार्य देखने लगे। उन दिनों युगांतर पार्टी एक प्रमुख संगठन था जिसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को स्वतंत्र कराना। दार्शनिक क्रांतिकारी बाघा जतिन अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आलेख भी लिखते थे। जनसाधारण में बाघा जतिन एक अलग ही स्तर का आदर और सम्मान प्राप्त कर चुके थे। क्रांति के वास्ते धन जुटाने के लिए बाघा जतिन और अन्य क्रांतिकारी सरकारी खजानों को लूटते, जिसमें से दुलरिया और गार्डन रीच के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। बंगाल में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक कारतूस का व्यापार करती थी। बाघा जतिन और उनके साथियों ने कंपनी की एक गाड़ी को रास्ते में ही गायब कर दिया था, जिसमें क्रांतिकारियों को 52 पिस्तौलें और 50,000 गोलियां प्राप्त हुई। 9 सितंबर 1915 को पुलिस ने बाघा जतिन के गुप्त अड्डे को ढूंढ निकाला। राज महंती नामक पुलिस अफसर ने वहां धावा बोल दिया। बाघा जतिन की गोली से राज महंती वहीं ढेर हो गया। यह समाचार मिलने पर मजिस्ट्रेट किल्वी दल बल सहित वहां पहुंच गया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार हुई। बाघा जतिन, यतीश, चित प्रिय, वीरेंद्र और मनोरंजन, इन 5 क्रांतिकारियों ने डटकर उनका मुकाबला किया। चितप्रिय गोली लगने से शहीद हो गए। बाघा जतिन का शरीर भी गोलियों से छलनी हो गया, परंतु दिलेर क्रांतिकारी डटकर मुकाबला करते रहे। शरीर ज्यादा छलनी होने के कारण वह जमीन पर गिर गए। किल्वी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 10 सितंबर 1915 भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलवाने की तमन्ना रखने वाले बाघा जतिन इस संसार से मुक्ति पाकर अमर शहीद हो गए। आज समस्त आईएमसी परिवार बाघा जतिन शहीदी दिवस पर नतमस्तक होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।